मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एएम एंड जीएम, एएम स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन एंड जीएम स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। वी आर गिवन द नंबर्स, माइंड इट, ए और बी दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का m इज टू n है और वी आर सपोज टू प्रूव रेशियो ऑफ द नंबर्स इज दिस मच। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है am और gm का रेशियो am अपॉन gm m इज टू n। तो am, अब आपको am a और b का मालूम है, एम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई टू एंड ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी। न्यूमरेटर इज कंप्लीट बिकॉज न्यूमरेटर इज हैविंग समथिंग इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बीइंग इनकम्प्लीट पुट वन इन डिनोमिनेटर और इसका वैल्यू है एम अपॉन एन। अब वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू रूट ए बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। इसका एक मेथड है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, और दूसरा मेथड उससे भी आसान है जिसे हम डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक फादर की एज 40 ईयर्स है, उसके बेटे की एज 10 ईयर्स है, दोनों की एज का रेशियो है 4:1। तो क्या फादर 4 ईयर्स का होगा? नहीं। तो फिर कितने ईयर्स का होगा? तो फादर होगा 4 के ईयर्स का और सन होगा 1 के ईयर का। इसी तरीके से सिमिलरली आप देखिए ए प्लस बी इज एम के, टू रूट ए बी इज एन के। बिल्कुल आसान सा टेक्निक है, इस टेक्निक को आप यूज करें और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला यूज करना है एंड द फॉर्मूला इज दिस, फॉर्मूला इज ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू रूट ए बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए a प्लस बी क्या है आपके पास, तो a प्लस बी का वैल्यू है m के होल स्क्वायर माइनस टू रूट ए बी, टू रूट ए बी का वैल्यू है n के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐसा लिख सकेंगे स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, और आप चाहें तो के स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, विच इंप्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी का वैल्यू दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा के। तो ये है a माइनस बी का वैल्यू। लेट द इक्वेशन बी 3, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 3। अब आप 1 प्लस 3 करें ऑन एडिंग 1 एंड 3, 1 और 3 ऐड करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, बी बी कैंसिल, a प्लस a विल बी 2a, m k प्लस k into this k can be taken common, similarly 1 minus 3, 1 में से 3 subtract करेंगे तो a plus b minus a plus b हो जाएगा, तो b भी होगा 2b is equal to m minus under root m square minus n square k common। अब इसको मान लेते हैं कि लेट दिस बी 4 एंड दिस बी 5
ऑन डिवाइडिंग 4 by 5, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी आर सपोज टू फाइंड ए इज टू बी, ए अपॉन बी, तो इसको इससे डिवाइड कर दे, तो 4/5 ऑन डिवाइडिंग 4/5 विल गिव 2a/2b इज इक्वल टू m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर k m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर k, k k कैंसिल, 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज a इज टू b इज इक्वल टू m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज टू m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए आपने बड़े आसान तरीके से हमने इसे प्रूव किया है, आप इसे खुद भी ट्राई करें, इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, एग्जांपल में भी हैं, आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं के मेथड का यूज करके, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बिना भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट।